झाइयों की प्रॉब्लम आजकल हर किसी को होती जा रही है। छोटी उम्र में ही झाइयाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपकी कितनी भी पुरानी झाई हो वो दूर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राखी पवार और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगी, एक ऐसा फेस पैक शेयर करूंगी जो आपकी कितनी भी पुरानी झाई हो उसको हटा देगा आपके फेस से और आपके फेस को बहुत ज्यादा ही क्लीन और क्लियर बना देगा। जब हमारे फेस पर दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयां पड़ जाती हैं, तो हमारा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा रंग कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लेकिन हमारे फेस पर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। रंग मैटर नहीं करता है, हमारा फेस बिल्कुल क्लीन और क्लियर होना चाहिए। हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, महंगी महंगी क्रीमें खरीदते हैं और होम रेमेडी यूज करते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं दिखता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करूंगी जो उसका इंग्रेडिएंट है वो आपके किचन में आपको इजीली मिल जाएगा और बहुत सस्ते में ही आपकी जो झाइयां है, काले निशान है, दाग धब्बे हैं, सबको दूर कर देगा। ये फेस पैक बहुत ज्यादा अच्छा फेस पैक है और हमारी दादी नानी भी यूज किया करती थी और होम रेमेडी हमेशा से ही बेस्ट रही है। आपने अपनी स्किन केयर रूटीन में होम रेमेडी जरूर शामिल करनी चाहिए। होम रेमेडी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो के थ्रू आपके साथ होम रेमेडी शेयर की हुई है, आप जरूर उन वीडियोस को देखें और उनको आप अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उनसे मिलेंगे। आपके फेस पर झाइयां हैं या आपके फेस पर पिंपल के निशान है, मुहासों के निशान है या आपका जो फेस है वो काला पड़ गया है सन की वजह से, ये सारी प्रॉब्लम इस फेस पैक से बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपका जो फेस है बहुत ज्यादा क्लीन और क्लियर और ग्लोइंग हो जाएगा। इसके लिए आपने इसको कंटिन्यू अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, कम से कम 1 वीक आपने इसको अप्लाई करना है। 1 से 2 बार में ही आपको जो है इससे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे और आपको ये फेस पैक बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप इसको कंटिन्यू अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करना चाहेंगे। कहते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया, कैसे अप्लाई किया, और उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज का आलू ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अब मैं इसको पील कर लूंगी। आलू हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अगर डेली बेसिस पर आलू का रस आप अपनी स्किन पर लगाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। आलू में विटामिन सी और पोटेशियम होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और अभी मैं इसको कद्दूकस करूंगी और कद्दूकस करके मैं इसका रस निकाल लूंगी। आलू का रस हमारी स्किन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में हेल्प करता है। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्ने है, अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, टैनिंग है, तो उनको रिमूव करने में आलू का रस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आलू में मौजूद एंजाइम कैटेकोलिस त्वचा के दाग धब्बों को हल्का करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और यहाँ पर हाथों की हेल्प से मैंने जूस को निकाल लिया है और अब हम फेस पैक रेडी करेंगे। और यहाँ पर मैंने लेमन ले लिया है और मैं हाफ लेमन को इसमें निचोड़ लूंगी। नींबू का रस भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ये हमारी त्वचा को निखारता है, दाग धब्बों को दूर करता है। नियमित रूप से अगर आप नींबू का रस अपनी स्किन पर लगाते हैं तो आपके फेशियल हेयर भी कम हो जाते हैं। नींबू का रस हमारी स्किन से डेड स्किन को भी निकालता है। और यहाँ पर हमारा फेस पैक रेडी हो गया है और अब मैं इसको अप्लाई करूंगी। और यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है। आलू लेमन का जूस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और यहाँ पर कॉटन की हेल्प से मैं इसको अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। इस फेस पैक को लगाने का तरीका बिल्कुल अलग है, आपने बाकी फेस पैक की तरह इसको नहीं लगाना है। कॉटन की हेल्प से आपने पूरे फेस पर इसको रब करना है, धीरे धीरे हल्के हाथों से आपने इसको रब करना है और हमने इसको 5 मिनट तक इसी तरह से रब करना है और पहले दिन से ही आपको फर्क दिखने लगेगा। और जब आप इसको 1 से 2 बार लगाएंगे तो आपको अपने फेस पर बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा और अगर आपके फेस पर झाइयां हैं, काले दाग धब्बे हैं, तो वो भी आपको कम होते नजर आने लगेंगे। और आपने इसको बराबर मात्रा में लेना है, अगर आप 1 चम्मच नींबू का रस ले रहे हैं तो 1 चम्मच आपने आलू का रस लेना है। और ये प्रोसेस आपने 5 मिनट तक करना है और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से करना है, टाइट हाथों से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा पुरानी झाइयां हैं और वो हटने का नाम नहीं ले रही हैं, तो इस फेस पैक से आपकी जो झाइयां हैं वो बहुत जल्दी साफ हो जाएंगी। डार्क सर्कल हैं, दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, मुहासों के निशान है, तो वो भी बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और इसको पूरे फेस पर और नेक पर लगाकर मैं 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूंगी। और यहाँ पर हमारा फेस पैक सूख गया है और अब मैं इसको वॉश कर लूंगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है और अभी मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ मैं फेस वॉश करके ही आई हूँ।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेस वॉश करके ही मेरा जो फेस है बिल्कुल क्लीन हो गया है। और इस फेस पैक को आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको इससे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका जो फेस है बहुत ज्यादा क्लीन और क्लियर हो जाएगा। और ये था सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता फेस पैक जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। आप इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में जरूर शामिल करें, 1 वीक तक जरूर ट्राई करें, 1 से 2 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। और आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो शेयर करूंगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।